नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के द्वारा आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। उसके पहले आपको बता देते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। दरअसल कर्क राशि चक्र का चौथा चिन्ह माना जाता है। इस राशि के तहत पैदा हुए लोग अपने घरों, अपनी जड़ों और अपने घोंसलों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कर्क राशि के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं और अपने घर और साथ ही परिवार के आराम के साथ बहुत ही खुश रहना पसंद करते हैं। घरेलू मोर्चे पर शांतिपूर्ण माहौल में ये अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। अपने मूल स्वभाव से पोषित कर्क राशि के जातक एक गहरी मातृवृत्ति के अधिकारी और सहज और साथ ही स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। ये बड़े परिवारों की चाहत रखते हैं। ये जहाँ जाते हैं वहीं अपना आशियाना बना लेते हैं। इन्हें यात्राएं करना बहुत पसंद है। ये अपने परिवार और परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं। इन राशि के जातक सामाजिक गतिविधियों में खूब भाग लेते हैं। कर्क राशि के जातक न सिर्फ भावनाओं को अच्छी तरह व्यक्त कर पाते हैं बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझते हुए उनका सम्मान करते हैं। ये तीव्र बुद्धि के अधिक होते हैं और ये कला, बिक्री, मीडिया और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं। धन और भौतिक लाभ इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और अब राशिफल की तरफ रुख करेंगे और शुरुआत में इस राशि से करते हैं। बच्चे आपकी शाम को खुशी की चमक लाएंगे। थकाऊ और उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर का योजना बना सकते हैं। उसका साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर देगा। बिना किसी की मदद से आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। आपका झगड़ालू स्वभाव आपके दुश्मनों की सूची लंबी कर सकता है। किसी को खुद पर इतना नियंत्रण ना दे कि वे आपको नाराज कर सके और जिसके लिए बाद में आपको पछतावा पड़े। आपके पास पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। और वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। पुरानी बातों में ना उलझे और जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें। आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। घर में किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। और अब बात करते हैं कर्क राशि। आपकी भावनाओं पर, खास तौर पर गुस्से पर काबू रखें। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए खास है। अटके कामों के बावजूद रोमांस और साथ ही बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेगी और सुकून देगी। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उन्हें कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन में कई परेशानियां दूर हो सकती है। गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन है। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। रियल स्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। नए समारोह में आप शिरकत करेंगे, वहां से नई दोस्ती की शुरुआत होगी। आप जहां हैं वहीं रहेंगे। बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगी। साथ ही आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं तुला राशि। जरूरत से ज्यादा खाने से बचे और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होगी। और अब बात करते हैं तुला के बाद वृश्चिक राशि की। मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। अतिरिक्त धन को रियल स्टेट में निवेश कर सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए आपके बच्चे जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। आपके प्रेम की राह एक खूबसूरत मोड़ ले सकती है। और अब बात करते हैं धनु राशि की।
मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेगी और सुकून देगी। अतिरिक्त आय के लिए आपके सृजनात्मक विचारों को सहारा ले, आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की जरूरत है। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। और अब बात करते हैं धनु के बाद मकर राशि की। सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। हालांकि धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक जाएगा, लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आने देंगे। आपके पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और साथ ही उनकी ना सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आपको आपके घर पर बुलाएंगे। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार ना करें। इस राशि के उम्रदराज जातक के दिन आपके पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। जीवन साथी का बिगड़ता स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आर्थिक जीवन में खुशहाली रहेगी। इसके साथ ही आप कर्जों से भी आज मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको किसी ऐसी जगह से बुलावा आए जहां पहले आप कभी नहीं गए हो तो कृतज्ञता से उसे स्वीकार जरूर करें। और बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।